गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, सेवाचार्य अर्थशास्त्र विभाग राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। हमने समष्टि अर्थशास्त्र रिलेटेड पिछले वीडियो में शाख नियंत्रण की मात्रात्मक विधियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करी थी। आज के इस वीडियो में हम शाख नियंत्रण के गुणात्मक विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से 6 मेथड्स जो यूज किए जाते हैं। सीमांत आवश्यकता, उपभोक्ता मुद्रा पूर्ति पर नियंत्रण, शाख की राशनिंग, नैतिक प्रभाव, प्रचार इत्यादि शामिल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शाख की सीमांत आवश्यकता क्या होती है। सीमांत आवश्यकता से तात्पर्य है कि कितना, कोई भी आपको ऋण लेना है तो उस ऋण में कितना प्रतिशत भाग आपका होगा और कितना प्रतिशत उधार मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 50 लाख का मकान बनाना चाहते हैं, और सीमांत आवश्यकता 90% है, 90% का मतलब है कि आपको 5 लाख रुपए की व्यवस्था आपको करनी है और 45 लाख आपको उधार मिल सकते हैं। अगर सीमांत आवश्यकता 80% है तो आपको 10 लाख की व्यवस्था करनी है, 40 लाख उधार मिल सकता है। अगर 50% सीमांत की आवश्यकता है तो 25 लाख की व्यवस्था आपको करनी है और 25 लाख उधार मिल सकता है। इसको बोलते हैं सीमांत आवश्यकता, यानी आपके द्वारा जो गारंटी दी जा रही है, जितना आपके पास आपकी संपत्ति की गारंटी दी जा रही है उसका कितना परसेंट आपको उधार मिलेगा, इसे सीमांत आवश्यकता परिवर्तन कहते हैं। रिजर्व बैंक के द्वारा इस सीमांत आवश्यकताओं को बदला जाता है, बदल कर भी शाख की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। सपोज कीजिए किसी समय ये सीमांत आवश्यकता जो है वो 50% है, 50%। तो देखिए, अगर सीमांत आवश्यकता रिजर्व बैंक के द्वारा मतलब 50% रखी गई है तो आपको 50% ही पैसा उधार मिलेगा। अगर किसी समय सीमांत आवश्यकता मतलब जितना आपने सिक्योरिटी दी उसका 50% ही लोन मिल सकता है, तो आप 50 लाख की सिक्योरिटी दे रहे हैं या 50 लाख का मकान बना रहे हैं तो आपको अपने 25 लाख की व्यवस्था खुद करनी है, 25 लाख आपको लोन मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में लोन की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए 25 लाख की व्यवस्था करना मुश्किल है। अगर यही किसी समय रिजर्व बैंक को मान लीजिए शाख का प्रसार करना है, देश में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना है, तो रिजर्व बैंक इस जो सीमांत आवश्यकता है उसको 10% कर देगा। 10% का मतलब है कि 50 लाख का मकान बनाना है तो आपको 5 लाख की व्यवस्था करनी है, आपको 45 लाख रुपए उधार मिल सकते हैं। इस प्रकार से ऋण की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन करके भी रिजर्व बैंक शाख की मात्रा को नियंत्रित कर सकता है। किसी समय शाख की मात्रा को कम करना हो तो ये सीमांत आवश्यकता को बढ़ा देगा, और अगर किसी समय शाख की मात्रा को विस्तार करना हो तो रिजर्व बैंक के द्वारा सीमांत आवश्यकता को कम कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि मार्जिनल रेट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट है उससे भी शाख की मात्रा नियंत्रित, मार्जिनल रिक्वायरमेंट कम है तो क्रेडिट ज्यादा होगी, और मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स आरबीआई के द्वारा बढ़ा दी गई यानी 50% कर दी गई तो क्रेडिट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी 10% रिक्वायरमेंट है तो 90% आपको उधार मिल जाएगा, और रिजर्व बैंक ने 25% इसको कर दिया तो आपको 75% मिलेगा। अगर लोन का परसेंटेज कम मिलेगा तो लोन कम मांगा जाएगा, और ज्यादा मिलेगा तो लोन ज्यादा मांगा जाएगा। तो इस प्रकार से सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन के माध्यम से भी आरबीआई के द्वारा शाख की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा, उपभोक्ता की जो शाख है, उपभोक्ता के द्वारा जो शाख ली जाती है, मान लीजिए कार खरीदने के लिए शाख ली जाती है, फ्रिज खरीदने के लिए ली जाती है, वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए ली जाती है, अपनी छुट्टियों में कहीं विदेश टूर करने के लिए उधार ली जाती है, तो रिजर्व बैंक के द्वारा उपभोक्ता की शाख पर नियंत्रण किया जाता है। अच्छा, रिजर्व बैंक के द्वारा ये डिसाइड कर लिया जाता है कि उत्पादक उद्देश्य के लिए शाख देनी है, अनुत्पादक उद्देश्य के लिए शाख नहीं देनी है। मान लीजिए एक व्यक्ति कार खरीदता है, कार सेल्फ के लिए खरीदता है तो हो सकता है आरबीआई नहीं दे, और एक व्यक्ति दूसरा कार खरीदता है टैक्सी के लिए तो ये उत्पादक गतिविधि है, इसके लिए वो क्या कर दे, शाख दे दे। एक व्यक्ति मकान बनाने के, खुद के रहने के लिए मकान बनाने के लिए उधार लेता है तो वो उत्पादक गतिविधि नहीं है तो हो सकता है उस पर लोन नहीं दिया जाए। पर वही व्यक्ति अगर मान लीजिए एक हॉस्टल बनाने के लिए, हॉस्टल के लिए मकान बनाने के लिए उधार मांगता है तो वह दे दिया जाए। इस प्रकार से उपभोक्ता की शाख को भी नियंत्रण करके वह शाख की मात्रा पर नियंत्रण कर सकता है। एक व्यक्ति खुद के लिए मान लीजिए वॉशिंग मशीन खरीद रहा है, हो सकता है रिजर्व बैंक उसको
प्रोत्साहित नहीं करे बैंकों के माध्यम से, पर एक लॉटरी मैन है वो वॉशिंग मशीन खरीदता है कि इसके माध्यम से मैं पैसा कमाऊंगा लोगों के कपड़े धोकर, तो उसके लिए। तो इस प्रकार से क्या है, उपभोक्ता साख के मात्रा को भी नियंत्रित कर सकता है और इसके माध्यम से भी आरबीआई उपभोक्ता साख पर नियंत्रण कर सकता है। इसके अलावा साख की राशनिंग भी एक विधि है जिसके माध्यम से साख की मात्रा को नियंत्रण कर सकता है। इस राशनिंग के अंतर्गत बैंक किस बैंक को रिजर्व बैंक के द्वारा उधार दिया जाएगा, किस बैंक को नहीं दिया जाएगा, ये भी डिसाइड कर सकता है। या साख का कोटा डिसाइड कर सकते हैं कि इस बैंक को इतने रुपए से ज्यादा उधार नहीं मिलेगा, ये भी राशनिंग है। या राशनिंग को आप हम यूं समझ सकते हैं कि आपको कार लेनी है और आरबीआई ने कह दिया कि कार के लिए 5 लाख रुपए से ज्यादा उधार नहीं मिलेगा। मान लीजिए कार के लिए आपको लिमिट कर दी 5 लाख। अब 5 लाख की लिमिट कर दी कि कार के लिए लोन मैक्सिमम 5 लाख दिया जा सकता है। अब आपको कार लेनी है वो 1 करोड़ की लेनी है तो आपको 95 लाख खुद लाने, आपको 15 लाख की कार लेनी है तो आपको 10 लाख की व्यवस्था करनी है, और आपको 8 लाख की कार लेनी है तो आपको 3 लाख की व्यवस्था ही करनी है। कहने का तात्पर्य, जब साख की राशनिंग करके कार के लिए दिए जाने वाला मैक्सिमम लोन 5 लाख कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में जिसको 1 करोड़ की गाड़ी खरीदनी है तो उसको बैंक से एक तरह से पर्याप्त सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, तो वह उस बैंक से उधार कम लेगा, उधार नहीं ले पाएगा या कार नहीं खरीद पाएगा। कहने का तात्पर्य है कि साख की राशनिंग के माध्यम से रिजर्व बैंक साख की मात्रा को नियंत्रित करता है, जिसमें ये डिसाइड कर देता है कि इससे ज्यादा इस उद्देश्य के लिए नहीं मिलेगा। मान लो रिजर्व बैंक ने कर दिया कि मकान बनाने के लिए 20 लाख से ज्यादा लोन नहीं मिलेगा, ये राशनिंग हो गई। अब आप व्यक्ति मान लो 1.5 करोड़ का बंगला बना रहा है तो उसको बहुत ज्यादा पैसा बैंक से उधार नहीं मिलेगा, तो बाजार से उधार नहीं मिलेगा तो हो सकता है वो जो बंगला बनाने का प्लान है वो थोड़ा कैंसिल कर दे, या उस वो 1.5 करोड़ की जगह वो अपना 50 लाख तक का ही बजट कर ले। तो ऐसी स्थिति में बाजार में मुद्रा की पूर्ति नियंत्रित हो जाएगी। किसी समय अगर रिजर्व बैंक को बाजार में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना है तो वो क्या करेगा, ये राशनिंग की लिमिट बढ़ा देगा, ये 5 लाख की जगह ये लिमिट कर देगा कि 20 लाख तक कार पर लोन दिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में बाजार में जो कार है, बड़ी कारों की मांग बढ़ जाएगी, तो बाजार में जो 15 लाख है 20 लाख है तक की कार लोग लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आसानी से उस पर लोन मिल जाएगा। पर जब लोन की लिमिट अगर 5 लाख ही है तो ऐसी स्थिति में 15 लाख की गाड़ी व्यक्ति खरीदते हुए हिचकिचाएगा। तो इस प्रकार से बाजार में साख की राशनिंग के माध्यम से भी साख की मात्रा को या मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा देखिए, रिजर्व बैंक सभी बैंकों का बैंक होता है और बैंकों का कोई भी काम होता है या बैंकों को कोई भी सहायता की आवश्यकता होती है तो उसको रिजर्व बैंक के पास जाना पड़ता है। तो जिस प्रकार से हमारे घर में जो बड़े लोग होते हैं, दादाजी होते हैं, दादी जी होते हैं, पिताजी होते हैं, उनका हम पर नैतिक प्रभाव होता है, हम उनकी बात को नहीं टाल पाते हैं या उनके कहे अनुसार काम करते हैं, सिमिलरली व्यापारिक बैंकों की स्थिति रिजर्व बैंक के साथ होती है। रिजर्व बैंक का उन पर नैतिक प्रभाव होता है और रिजर्व बैंक जो भी दिशा निर्देश देता है सामान्य रूप से व्यापारिक बैंकों के द्वारा उसका पालन किया जाता है। तो यदि रिजर्व बैंक उनको कहता है कि साख की मात्रा को कम करना है, अभी आपको साख कम देनी है, बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई है, तो ऐसी स्थिति में व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख देने की मात्रा को कम कर दिया जाता है। किसी समय रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों को यह दिशा निर्देश दिया जाता है कि देश में मंदी की स्थिति है, बाजार में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना है तो आप साख की मात्रा को बढ़ाइए, साख ज्यादा देना चालू करिए, तो व्यापारिक बैंक अपने एजेंटों के माध्यम से उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक कम ब्याज दर पर, सस्ती ब्याज दर पर या इजी प्रोसेस के माध्यम से उधार देना प्रारंभ करते हैं तो बाजार में साख की पूर्ति बढ़ जाती है। इसी प्रकार से रिजर्व बैंक समय समय पर आंकड़े जारी करता है और वह उसमें अपनी मनसा जाहिर करता है कि कब हमको साख को बढ़ाना है, कब हमको साख को कम करना है। तो ये प्रचार के माध्यम से वह विभिन्न व्यापारिक बैंकों को अपने प्रचार के माध्यम से सूचित करता है कि कब उसको कब देश में साख की मात्रा को बढ़ाने की आवश्यकता है। जब रिजर्व बैंक के द्वारा प्रचार के माध्यम से व्यापारिक बैंकों को ये पता चलता है कि साख के मात्रा को बढ़ाने की आवश्यकता है तो व्यापारिक बैंकों के द्वारा बढ़ाना चालू कर दिया जाता है। जब साख की मात्रा घटाने की रिजर्व बैंक प्रचार करता है या ऐसे निर्देश देता है तो व्यापारी बैंकों के द्वारा बहुत उसका पालन करते हुए साख की मात्रा को
कम कर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यापारिक बैंक जो है वो रिजर्व बैंक के अधीन कार्य करते हैं, तो सामान्यतः रिजर्व बैंक के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है उसका पालन व्यापारिक बैंकों के द्वारा किया जाता है। अगर रिजर्व बैंक साख की मात्रा को बढ़ाने के निर्देश देता है प्रचार के माध्यम से या नैतिक रूप से, तो वह उसको बढ़ाते हैं, और अगर वह अपने प्रचार के माध्यम से अपनी मनसा ये जाहिर करता है कि साख की मात्रा को नियंत्रित करना चाहिए तो व्यापारिक बैंक उसी प्रकार से करने लग जाते हैं। अगर लगातार रिजर्व बैंक के बराबर निर्देशों के बावजूद भी कोई जो व्यापारिक बैंक है वो रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो एक अन्य मेथड भी है, वो मेथड है प्रत्यक्ष कार्रवाई। इस प्रत्यक्ष कार्रवाई के तहत रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को जो उधार देने की सुविधा है उसको बंद कर सकता है, क्योंकि रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक जिस प्रकार के निर्देश दे रहा है व्यापारिक बैंकों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, उस निर्देश को मानना बहुत आवश्यक है। अन्यथा अगर प्रत्यक्ष कार्रवाई, सामान्यतः इस प्रत्यक्ष कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर प्रत्यक्ष कार्रवाई के अंतर्गत रिजर्व बैंक को ये अधिकार होते हैं कि वे व्यापारिक बैंकों को उधार देने की सुविधा को बंद कर सकता है, व्यापारिक बैंकों को जो बैंकिंग का लाइसेंस दिया हुआ है उसको भी बंद कर सकता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ये रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश को अगर कोई व्यापारिक बैंक नहीं मानता है तो वह प्रत्यक्ष कार्रवाई के माध्यम से बैंकों को इस स्थिति पर लाकर खड़ा कर सकता है रिजर्व बैंक कि उन व्यापारिक बैंकों के पास अपना बैंक बंद कर देने के अलावा और भी कोई चारा नहीं बचता, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर लगातार रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों की कोई पालना नहीं करता है तो प्रत्यक्ष कार्रवाई के तहत रिजर्व बैंक उसका लाइसेंस रद्द कर सकता है, उसको उधार देने की सुविधा बंद कर सकता है, उसको जो समाशोधन ग्रह की सुविधा दे रखी है वो भी बंद कर सकता है। और सामान्य रूप से कोई भी बैंक, जिस प्रकार से हमारे यहाँ कहावत है कि जल में रहकर मगर से बैर नहीं करना, उसी प्रकार से मौद्रिक व्यवस्था में कोई भी व्यापारिक बैंक बैंकिंग कारोबार अगर उसको करना है तो सामान्य रूप से वह रिजर्व बैंक से पंगा नहीं ले सकता। अगर वह लेता है तो इसका मतलब है कि रिजर्व बैंक जब प्रत्यक्ष कार्रवाई करेगा तो बैंक का जो समट जाना है वो निश्चित है। तो इस प्रकार से गुणात्मक विधियां जो है साख को नियंत्रित करने की, जिसमें मार्जिन मनी है, उपभोक्ता की साख की पूर्ति की बात हम करते हैं, साख की राशनिंग भी बैंक के द्वारा कर दी जाती है कि अमुक कार्य के लिए इतना लोन देना है, इससे ज्यादा लोन नहीं देना है, या बैंक के द्वारा डिसाइड कर दिया जाता है कि उत्पादक उद्देश्य के लिए लोन देना है, अनुत्पादक उद्देश्य के लिए लोन नहीं देना है, या नैतिक प्रभाव रिजर्व बैंक का उसके माध्यम से भी साख नियंत्रित होती है, उसके जो प्रचार प्रसार है उससे भी साख नियंत्रित होती है। अगर इन सभी विधियों का कोई भी असर नहीं पड़ता है तो उसके पास लास्ट एक ऑप्शन के रूप में प्रत्यक्ष कार्रवाई होता है जिसके माध्यम से वह साख की मात्रा को नियंत्रण कर सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया कि साख नियंत्रण के मात्रात्मक उपाय कौन से हैं। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे एक समष्टि अर्थशास्त्र के एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।